हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे। थोड़े निराश हो सकते हैं यदि आपकी बैक पेपर वगैरह हुआ है तो, लेकिन जिसका बैक पेपर नहीं हुआ है और 2022 की तैयारी कर रहे हैं अच्छे तरीके से तो बढ़िया है। मैं जिसको इम्प्रूवमेंट जिस बंदे ने डाला है 2021 के एग्जाम में या फिर बैक पेपर डाला है, और चाहे जिसका रिटन एग्जाम हो रहा है तो ये वीडियो को देखे, और जिसके एमसी के क्वेश्चन है तो उनको तुरंत वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे टच करें और वहां जाके पीडीएफ को डाउनलोड करें जो 2021 के एग्जाम में आ रहे हैं। बहुत जरूरी है आपके एग्जाम के लिए, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अब उनको पढ़ लेते हैं तो मैं आपसे वादा करता हूं कि आपको 85% प्लस आपको देखने को मिलेगा, और जो क्वेश्चन इस वीडियो बता रहा हूं यहां से भी आपको 85% देखने को मिलने वाला है। बीएससी थर्ड ईयर वालों के लिए बॉटनी का सेकेंड पेपर मोस्ट मोस्ट इंपोर्टेंट, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और दोस्तों को शेयर करें अभी ज्यादा से ज्यादा। उससे पहले थोड़ा सा मैं आपको एक बात कहना चाहूंगा जो आपके लिए काफी एक मोटिवेशन करने वाली, मतलब आपके दिल पे लगेगी यार। कभी भी याद रखना, अगर कोई रास्ता आपको डरा रहा है, अगर कोई रास्ता आपको डरा रहा है तो समझ लेना कि आगे बहुत बड़ी सफलता है आपका इंतजार कर रही है। आपको बहुत सारे छात्र क्या करते हैं, यदि बैक आ जाती है तो बीएससी छोड़कर बीए में एडमिशन ले लेते हैं या फिर पढ़ाई छोड़ देते हैं। यार ऐसा मेरा दोस्त नहीं करना है, ऐसा कभी नहीं करना है। और आपका कोई दोस्त वगैरह मित्र वगैरह ऐसा कर रहा है तो यार उसे करने मत देना, ठीक है? उसे कहना यार याद रखना, जहां कठिन संघर्ष होता है ना, जीत उतनी ही शानदार होती है। याद रखना, जब कठिन संघर्ष जहां होता है जीत वही शानदार होती है। तो इस बात को भी उनसे एक बार मोटिवेशन जरूर करना, और मैं आपका दोस्त हूं इसलिए आपको समझा रहा हूं, आप उसे अपना दोस्त समझ सकते हैं। समझ रहे हो ना यार, हम आपसे बहुत ज्यादा प्रेम करते हैं, जिसे भाग जाते हैं। आपके लिए हम कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी, जानते हो, कुछ भी। तो बस यार दोस्तों को शेयर कर देना इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, और फेसबुक पे शेयर जरूर करना है एक बार सभी लोग, ठीक है? 2021 में आने वाले क्वेश्चन की बात करने वाले इंप्रूवमेंट एग्जाम या फिर बैक पेपर या एमसीक्यू जिसके आ रहे हैं वो पीडीएफ से डाउनलोड कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक, ओके? और हाँ, सभी छात्रों से कहना चाहेंगे, ये जो नोट्स आपको दिख रहा है यहाँ 2022 में जो आप देने वाले होंगे, 2022 का पेपर चाहे सेकेंड ईयर में है, फर्स्ट ईयर के है, सेकेंड ईयर में, सेकेंड थर्ड ईयर में आ रहे हैं, तो हम उनको ये जो है बिल्कुल फ्री प्रोवाइड कराएंगे। ऐप जो बना रहे हैं हम प्ले स्टोर पर पब्लिश करेंगे, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं अपने फोन में, अच्छी तैयारी कर सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं देख के, जो चाहे वो कर सकते हैं, ओके? चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और दोस्तों को शेयर करें, ठीक है? तो स्टार्टिंग करते हैं, क्या क्या आपको याद करना है। पहला क्वेश्चन है न्यूक्लिक एसिड एंड उसकी संरचना के बारे में, न्यूक्लिक एसिड एंड स्ट्रक्चर, ये पढ़ेंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट। डीएनए अनुवंशिक पदार्थ क्यों है, कभी आपसे पूछ लेगा डीएनए अनुवंशिक पदार्थ है, सिद्ध करो, सिद्ध करो, ये बताओ कैसे हुआ है, अब क्या करोगे? तो इसके कुछ रूल्स होते हैं, आपको पता है चूहे के ऊपर इस्तेमाल किया गया, ठीक है? तो डीएनए अनुवंशिक पदार्थ है या नहीं, तो वहां से जेनेटिक मटेरियल है नहीं, वहां से क्लियर हो गया था, चूहे के ऊपर इस्तेमाल किया गया था, तो वो सब आपको पूरी प्रोसेस बताएंगे कि इसके वैज्ञानिक ने क्या किया था। जेनेटिक कोड क्या होता है, जिसे हम अनुवंशिक कोड कहते हैं या फिर जेनेटिक कोड कहते हैं, यहाँ पे याद करेंगे, पांच प्रकार के कोड होते हैं, सबको अच्छे से पढ़ लेना। प्रोटीन संश्लेषण क्या होता है, यहाँ आप इसको पढ़ेंगे, उसके बाद में पॉलीसेक्राइड्स कोशिका के बारे में पढ़ेंगे, सॉरी जिसे कहते हैं प्रोकैरियोटिक कोशिका, ठीक है? और पॉलीसेक्राइड भी कोशिका आती है, वो हम आपको नीचे दिखाएंगे वो, ठीक है? पहले इसको आप देखेंगे। विटामिन के बारे में पढ़ लेंगे, और देखिए वाटसन और क्रिक के द्वारा जो द्वारा एक मॉडल दिया गया था डीएनए डबल, जिसे डबल हेक्सन मॉडल बोला जाता है, उसको आप पढ़ेंगे। प्रोटीन संश्लेषण ऊपर बता रखा है तो यहाँ पढ़ने की जरूरत नहीं है। कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं, देखिए ऊपर मैंने प्रोटीन संरचना, ये प्रोटीन संश्लेषण बता रखा है, कार्बोहाइड्रेट्स मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसको आप पढ़ेंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट है। एंजाइम क्या होते हैं, एंजाइम के प्रकार के बारे में, और एंजाइम दो प्रकार से होता है, एक होता है ताला चाबी और प्रेरित जोड़ सिद्धांत, इसको आप पढ़ेंगे। डीएनए आरएनए में अंतर आपको पढ़ लेना है। जेनेटिक जिसे बायो कह सकते हैं, जैव प्रौद्योगिकी क्या होता है, ठीक है, इसको आप पढ़ लेंगे। बायोटेक्नोलॉजी बोला जाता है इसको, इसको पढ़ेंगे आप। जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या होता है, इसको आप जेनेटिक इंजीनियरिंग को पढ़ेंगे। उसके बाद में निक्लो, देखिए न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लोसाइड में अंतर पूछ लेते हैं आपसे, इसको पढ़ेंगे। देखिए इसको आप पढ़ेंगे, अनुलेखन क्या होता है, वेरी इंपॉर्टेंट है। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग क्या होती है, इसको आपको पढ़ेंगे, ये मैंने ऊपर बता चुका हूँ कई बार, इसको तो मैंने वीडियो बना रखी है। एटीपी क्या होता है, इसको आप देखेंगे। ओवरलैपिंग जीन क्या होते हैं, इसको आप पढ़ेंगे।
ठीक है। उसके बाद में आता है डीएनए आरएनए में, जो आरएनए की संरचना आप पढ़ लेंगे, डीएनए मैसेंजर आरएनए, ट्रांसफर आरएनए क्या होता है इसको पढ़ेंगे, कोएंजाइम क्या होता है इसको आप पढ़ेंगे। एंजाइम के जब हमने आपको ऊपर ऊपर प्रकार बताए थे तो वहीं आपको ये पूरा बन जाता है। उसके बाद में देखिए आपसे आपको पता होगा एक एक कल्चर पूछता है, एक टिश्यू कल्चर बहुत ज्यादा, प्लांट टिश्यू कल्चर क्या होता है इसको आपसे पूछेगा, प्लांट टिश्यू कल्चर क्या होता है, या भ्रमण कल्चर क्या होता है, भ्रमण कल्चर, अंडा या फिर अंडाशय कल्चर क्या होता है, जैसे ओवरी कहते हैं ओवरी कल्चर होता है, या फिर एम्ब्रियो कल्चर होता है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपसे पूछता है। और रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी क्या होती है इसको आप पढ़ लेना, रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी मोस्ट इंपोर्टेंट है। इतना आप पढ़ने के बाद में नीचे जाएंगे, वन जीन, देखिए वन जीन एंड वन एंजाइम जो हाइपरथाइमेसिस होता है उसको पढ़ेंगे। उसके बाद में यहां पढ़ने के बाद में पशु में हार्मोन्स होते हैं, एनिमल्स हार्मोन्स के बारे में पढ़ लेंगे। अरे यहाँ कुछ, उसके बाद में आता है ऊष्मीय गतिकी का द्वितीय नियम क्या होता है, ऊष्मीय गतिकी के नियम को पढ़ लेंगे, ऊष्मीय गतिकी के नियम को याद रखेंगे, ये सब आप लोग पढ़ेंगे। उसके बाद में एक आता है पादप हार्मोन्स, देखिए एनिमल हार्मोन्स एंड पादप हार्मोन, पादप हार्मोन जैसे कि ऑक्सीन हो गया और फिर जिब्रेलिन जिब्रेलिन हो गया, ये जो होते हैं पादप हार्मोन मतलब कि पौधों में वृद्धि करने के लिए प्रयोग यूज किए जाते हैं, तो इन हार्मोन्सों के बारे में आप पढ़ेंगे। एक ये सेकेंडरी मैसेंजर क्या होता है आप इसको पढ़ेंगे, और हाउस कीपिंग जीन इसको भी पढ़ेंगे, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, आप इसको पढ़ के चले जाना है, इतने क्वेश्चन को पढ़ना है, बाकी यहाँ छोड़ देना ठीक है। और सभी छात्रों से मैं ये कहना चाहूंगा कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे आप इन क्वेश्चनों के बाद, तो देखिए जो याद है पहले वो क्वेश्चन करेंगे एग्जाम में, जो याद नहीं है उसको छोड़ देंगे, टाइम मिलेगा हमें काफी, उसके बाद में वो क्वेश्चन भी करके आएंगे, चाहे जो भी बना बना के लिख के आए लेकिन लिख के जरूर आएंगे, कॉपी को पूरा भरना है ठीक है। इस प्रकार से हमें लिखना है कि कॉपी को पूरा भरना है, साफ लिखना है, अच्छा लिखना है ठीक। लेफ्ट साइड में हमेशा अंडरलाइन खींचेंगे, इस बात को आपको याद रखना है ठीक। और एमसीक्यू क्वेश्चन वालों को, जो भी छात्र है एमसीक्यू क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जो यूनिवर्सिटी में आएगा, जैसे कि आगरा यूनिवर्सिटी हो गई, कानपुर यूनिवर्सिटी हो गई, तो हमारी पीडीएफ को डाउनलोड कर ले, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, और अच्छी तरीके से तैयारी कर ले। मिलते हैं नेक्स्ट, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, लव यू, थैंक यू।